भाई साहब क्या तगड़ा स्टॉक है ये वाला शेयर आपको जरूर खरीदना चाहिए। यदि इस शेयर की ही हम बात करें तो प्रमोटर लगातार इस शेयर की खरीदारी करते जा रहे हैं, होल्डिंग को बढ़ाते जा रहे हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टरों ने भी इस शेयर में अच्छा खासा निवेश कर रखा है और यदि आप ये शेयर खरीदते हैं तो आप मेरी मानिए आप 1 से 2 साल में इस शेयर में अपना पैसा डबल करके ही रुकेंगे, क्योंकि इसके पास परफॉर्मेंस भी कुछ इसी तरह बोल रहे हैं एंड इसके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको भी पता ही चल जाएंगे। फर्स्ट यदि हम वीडियो में स्टार्ट ही करें तो आपको स्क्रीन के साइड में भी दिख रहा होगा जो इस शेयर में होल्डिंग है प्रमोटर्स की वो लगातार 44% की थी एंड इसी मार्च क्वार्टर में 2024 में प्रमोटर्स ने 2% अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है एंड होल्डिंग तो बड़ी है ये तो ठीक ही ठीक है, साथ साथ इन्होंने अपना कर्ज घटाया। यदि आप ग्रीन पैराग्राफ में देखें तो लगातार इनका जो कर्ज था, मतलब ये जो इस शेयर के अगेंस्ट जो इन्होंने बैंकों से कर्ज उठाया था वो 12% था, अभी वो कर्ज घटा है एंड इन्होंने अपनी होल्डिंग घटाई है, तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव इंडिकेशन इस शेयर के लिए यहीं से निकल के आता है। उसी के साथ यदि आप फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टरों की बात करें तो उन्होंने भी इस शेयर में अपना स्टेक बढ़ाया है, जबकि मार्च 2023 में फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टरों के पास इस शेयर का 14% स्टेक था, देन अभी देखें इसी क्वार्टर में तो 20% के अराउंड का स्टेक फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टरों ने कर लिया है। मेरी माने तो आप कल ही इस शेयर को खरीद सकते हैं। उसके साथ यदि देखें मुझे ये शेयर बेहद पसंद है एंड मैंने इस शेयर में जो निवेश कर रखा है वो 150 रुपए से कर रखा है एंड इस शेयर की जो मेरी संभावना है वो 1 साल में 1.5 साल में डबल कर देने की पैसे को है। इसी के साथ यदि आप इसकी इनकम स्टेटमेंट में भी चेक करें तो शेयर की सेल्स लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रो कर रही है, ईयर ऑन ईयर तो ग्रो कर ही रही है। आप स्क्रीन के साइड में भी चेक कर सकते हैं जो दिसंबर 2023 में इसकी जो सेल्स थी वो 1869 करोड़ थी, देन अभी आप चेक करें मार्च 2024 में तो वो 2004 करोड़ के अराउंड होती हुई देखने को मिल रही है। अदर इनकम में भी इजाफा हुआ है, जिस तरह से कंपनी का जो टोटल इनकम है वो 200 करोड़ बढ़ते हुए देखने को मिला है एंड उसी के साथ कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पे कम होने को इसलिए दिखा क्योंकि कंपनी ने खर्चे अपने प्लांट में किए हुए हैं एंड अभी भी कंपनी को जो नेट प्रॉफिट है वो मोटा मोटी 200 करोड़ से ऊपर का है। कंपनी यहाँ पे मिड कैप नजर आती है, उसी के साथ कंपनी का नाम रहने वाला है इलेक्ट्रोकास्ट स्टील लिमिटेड, DI पाइप बनाती है, डक्टाइल आयरन पाइप बनाती है, जिसकी यहाँ पे मार्केट बहुत बड़ी है। इंडिया में मार्केट बड़ी होने के 2 कारण है, गवर्नमेंट का फोकस जल जीवन मिशन पे रहना एंड इरीगेशन डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट का फोकस रहना, इसके लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन साबित हुआ है क्योंकि जो भी वाटर सप्लाई होती है, पीने योग्य पानी जो भी सप्लाई होता है वो DI पाइप के थ्रू ही होता है एंड DI पाइप की नंबर 1 कंपनी ये कंपनी मानी जाती है। ESL शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, फुल फॉर्म इसका इलेक्ट्रोकास्ट स्टील है। शेयर ने पिछले 1 सालों में 243% से ज़्यादा के रिटर्न दिए हैं। उसी के साथ यदि आप इसके 6 मंथ के रिटर्न भी देखें, ऑल टाइम रिटर्न देखें तो वो भी 1651% है, बहुत ही अट्रैक्टिव रिटर्न है। रिटर्न के साथ साथ इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी बहुत ही अट्रैक्टिव हैं, जिस कारण से मैं ये शेयर आपको सीधा रिकमेंडेड ही कर रहा हूँ, बट एक बार आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस से डिस्कशन ज़रूर लें। इसी के साथ यदि आप 6 मंथ के रिटर्न देखें तो वो भी 53% के हैं एंड अभी के जो रिटर्न है एक ही महीने के वो 20% के अराउंड गए हैं एंड अभी यदि आप 5 दिनों की बात करें तो शेयर ने 10% के अराउंड के रिटर्न दे दिए हैं एंड आज ही के दिन शेयर 4% से ज़्यादा की तेजी में भी देखने को मिला था एंड उसी के साथ यदि आप शेयर कैपिटल भी इसकी चेक करें तो 59 करोड़ से बढ़ते हुए 61 करोड़ देखने को मिली एंड कंपनी के पास बहुत बड़ा रिजर्व्स है। रिजर्व्स और सरप्लस एक ही चीज़ है एंड ये यदि देखें तो 800 करोड़ की ग्रोथ यहाँ से भी देखने को मिली, लगातार कंपनी की लाइबिलिटीज हमें कम होने को देखने को मिली है। उसी के साथ यदि आप कंज्यूमर लाइबिलिटीज की भी बात करें तो वो भी 1857 करोड़ मार्च 2023 में थी, देन अभी आप देखें मार्च 2024 में तो वहाँ से वो लाइबिलिटीज जीरो होने को दिखी है। कंपनी के ऊपर बहुत ही कम डेप्ट है या आप बोल सकते हैं यहाँ पर कोई भी डेप्ट अब नहीं रह गया है। फिक्स एसेट कंपनी के बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, 100 करोड़ से ज़्यादा के फिक्स एसेट भी बढ़ने को देखने को मिले, करंट एसेट भी बढ़े हैं, उसी के साथ अदर एसेट्स भी बढ़े हैं। कंपनी के एसेट बढ़ने के साथ साथ कंपनी की लाइबिलिटीज कम हुई हैं, प्रमोटर्स ने लगातार शेयर में खरीदारी की है एंड फाइनेंशियल रिजल्ट्स बेहतरीन है, तो आप इस शेयर को बाय कर सकते हैं। यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो जरूर आप इस शेयर में एक बार बाई करके जरूर देखें, विश्वास
नाउ वीडियो को यहीं आप सेव भी कर लें, आगे भी आपसे मुलाकात होती रहेगी। उसके साथ यदि आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में देखें तो इसकी जो कैश फ्लो एक्टिविटीज है वो 452 करोड़ से बढ़ते हुए जस्ट डबल होती हुई देखने को मिली। इस कारण से कंपनी का जो पूरा एक प्राइस पैराग्राफ है, जो पूरा इंडिकेशन है, वो पॉजिटिव मोड का है। अर्निंग पर शेयर भी शेयर की 5 रुपए से एक साल में 12.35 रुपए पर शेयर पे अर्निंग बढ़ते हुए देखने को मिली। एंड ईपीएस भी हम देखें, डिलोटेड ईपीएस तो वो भी 12.30 रुपए का साफ देखने को मिल रहा है। कंपनी की बुक वैल्यू लास्ट ईयर 73 रुपीज थी एंड अभी भी 82 रुपीज के अराउंड बनी हुई है। शेयर हमेशा डिविडेंड देता है, ये कंपनी ने डिविडेंड में कोई भी कंजूसी नहीं की है, इन्वेस्टरों को हमेशा डिविडेंड दिया है। एंड इसी क्वार्टर में 1.40 रुपए पर शेयर में डिविडेंड भी दिया है 1 रुपए की फेस वैल्यू के साथ। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए ESL इलेक्ट्रोकास्ट स्टील लिमिटेड DI फिटिंग की कंपनी रह सकती है। इस सेक्टर में और भी कंपनी है जैसे रश्मि मेटल, एक ESL तो है ही है, साथ साथ किसान इरीगेशन, बेलस्पन, ये सारी कंपनियां इसी सेक्टर में काम करती हैं। तो आप यदि इस सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं जरूर इस कंपनी पर अपना दाव लगा सकते हैं, एक सुरक्षित दाव लगा सकते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल पर फर्स्ट टाइम हो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।